दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। एक मुस्लिम महिला को अमेरिकन एयरलाइंस ने इसलिए उतार दिया कि वो मुसलमान थी और उसके बगल में बैठा एक यात्री उसके कारण अपना जो अनकंफर्ट फील कर रहा था तो उसने शिकायत की, उसे उतार दिया गया। जब उसने उतरने से मना किया तो उसको उतार के बाकायदा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। आगे क्या हुआ वो हम बताते हैं। महिला जिनका नाम अमान उल अलखत था, वो न्यू जर्सी के कांग्रेस के लिए चुनाव की तैयारी भी कर रही थी। अमान अल खतबे ने इसे इस्लामोफोबिया बताया है कि इस्लामोफोबिया की जो वाइल लहर सी चल रही है अमेरिका में, उसकी मैं शिकार हुई हूँ। अमान अल खतबा जो कि एक एक्टिविस्ट और ब्लॉगर भी हैं, वो अमेरिकन एयरलाइंस शाले एनसी की जो एयरपोर्ट है अमेरिका की एक जगह है वहाँ से बैठी थी। जब उन्हें प्लेन के एक पैसेंजर ने शिकायत की तो उन्हें ज़बरदस्ती उतारा गया। वो जब उन्होंने अपना एहतजाज जाहिर किया, विरोध प्रकट किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और हथकड़ियाँ लगा के ले जाया गया उनको। उन्होंने कहा ये, जबकि झगड़ा सिक्योरिटी चेक पर हुआ था इन दोनों का, क्योंकि जब ये सिक्योरिटी चेक करा रही थी तो वहाँ जूते उतार के उसकी भी चेकिंग होती है, तो पीछे से वो आया, उसने जल्दी जल्दी करने के लिए आगे निकलने लगा तो उन्होंने मना किया, तो इस वजह से दोनों की कहा सुनी होगी। वो उसने इसका बदला लिया कि जब हवाई जहाज़ में बैठा तो कहा कि हमें डिस्कम्फर्ट लग रही है क्योंकि वो हिजाब पहने हुए थी, तो ये हमें डिस्कम्फर्ट मतलब कि इनसे डर लग रहा है, सीधे लफ्जों में उसने ये कहा। तो पुलिस ने उनको उतार दी चेकिंग के लिए, जब नहीं उतरी तो गिरफ्तार कर लिया। और वो जब बहस आपस में हो रही थी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो इस्लाम विरोधी बातें भी करने लगा छिड़के। मेरे जवाब देने पर उसने एयरपोर्ट सिक्योरिटी से मेरे धर्म को लेकर शिकायत की और कहा कि इनकी एक्टिविटीज़ उस अनकम्फर्टेबल लग रही हैं, मतलब कि उसको इनकी एक्टिविटीज़ कुछ मशकूक लग रही हैं, इसलिए पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। अगर मेरे हिजाब के बारे में अपना शक भी जाहिर किया, जैसा कि मैंने बताया है, पुलिस ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे जहाज से नीचे उतार दिए, ये उन्होंने शिकायत की है। यानी हिजाब का एक, इस्लामी फोबिया का एक और नमूना देखने के लिए अमेरिका में इस्लामी फोबिया जो आया है, तो 11 सितंबर 2001 जो ट्विन टावर का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वहाँ पे इस्लामी फोबिया बढ़ गया, उसकी घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। और इससे पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं जब हिजाब पहने हुए मुस्लिम औरतों को स्टोर वालों ने बाहर निकाल दिया था, ये घटना है, रिकॉर्ड है। इस तरीके से इस्लामोफोबिया वहाँ पर रंग पकड़ते जा रहा है। कुछ खबरें ऐसी कि किराए पर जो जाते हैं लोग वहाँ रहने के लिए मुसलमान होते हैं, उनको किराए के लिए फ्लैट भी नहीं मिल पाते हैं, जबकि अमेरिका में 40,45,000 मुसलमान वहाँ रहते हैं, जो कि अमेरिकन की 1.4% जनसंख्या है। यानी हिजाब की आड़ लेके इस्लाम विरोधी बातें करना अमेरिका में भी शुरू हो गया है। आज से नहीं, ट्रंप की एक पॉलिसी भी थी इसी तरीके की, तो उसने कई 7-8 कंट्रीज के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लोगों को बैन कर दिया था कि वो अमेरिका में नहीं आ सकते, काले गोरों का चक्कर भी चलाया था, तो वहाँ भी ये शुरू हो गया इस्लामोफोबिया, जो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।